हाय गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले मोस्ट एक्सपेंसिव बैडमिंटन रैकेट एंड इस बार हम इस रैकेट के साथ खेल के भी देखेंगे और मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। यार इतना महंगा रैकेट है तो आउटफिट भी अच्छा होना चाहिए ना। अब थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो चलिए अब रैकेट को निकालते हैं बाहर। आप इस रैकेट को देख लीजिए, काफी डिटेल में काम हुआ इस रैकेट में। पर्सनली मुझे काफी खूबसूरत लगा ये रैकेट। ये आपको ब्लैक गोल्ड कलर में देखने को मिल जाएगा। इस रैकेट का जो पांच खास बात जो मुझे लगा उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, ये रैकेट अभी तक का मोस्ट एडवांस बैडमिंटन रैकेट है एंड इसमें हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ कार्बन मटेरियल यूज हुआ है बैडमिंटन हिस्ट्री में। तो जो मटेरियल यूज हुआ इस रैकेट के फ्रेम को बनाने के लिए वो है M50 M40X प्लस एक्स्ट्रा हाई इलास्टिक ग्रेफाइट, जैसे कि इसके रैकेट के फ्रेम में यहाँ लिखा हुआ भी है। एंड शाफ्ट को बनाने के लिए यूज हुआ है T1100M50 एंड एक्स्ट्रा हाई इलास्टिक ग्रेफाइट। तो ये सारे मटेरियल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये सारे के सारे मटेरियल यूज होते हैं एरोप्लेन बनाने के लिए, जेट्स बनाने के लिए, जिससे ये पता लगता है जो ये रैकेट का बिल्ड क्वालिटी वो काफी ज्यादा तगड़ा है। दूसरी चीज, इस रैकेट के शाफ्ट में आपको ड्रैगन बना हुआ देखने को मिल जाएगा छोटा सा। एंड वैसे मैंने तो अभी तक कोई रैकेट के शाफ्ट में ऐसे ड्रैगन बना हुआ नहीं देखा है। ये आपको 3D में देखने को मिल जाता है, जब आप इसे छूते हो तो हल्का सा फील भी होता है। तीसरी चीज, जब आप इस रैकेट के शाफ्ट को देखोगे तो आपको काफी ज्यादा पतला देखने को मिल जाता है जिसका डायमीटर 6 mm है। वैसे मैंने इतना ज्यादा पतला शाफ्ट अभी तक देखा नहीं है ना। जब आप कंपेयर करोगे इस रैकेट के शाफ्ट से एंड अदर रैकेट के शाफ्ट तो आपको इजीली डिफरेंस देखने को मिल जाता है। चौथी चीज, इस रैकेट का हैंडल कैप, जैसे कि आप देख सकते हो काफी ज्यादा हमें डिफरेंट देखने को मिल जाता है एंड ऐसा टाइप का हैंडल कैप इसके जो पुराने मॉडल X490 उसमें आपको देखने को मिलेगा एंड इस रैकेट में। एंड यूनेक्स के जो हायर एंड के रैकेट है उसमें जो एनर्जी बूस्ट कैप आपको देखने को मिलता है वैसे ही तरीके का है, लेकिन इसमें डबल एनर्जी बूस्ट कैप है। बेसिकली ये क्या करता है, आपके रैकेट के शाफ्ट को ट्विस्ट होने से बचाता है एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। पांचवी चीज, रैकेट का गेम प्ले एंड पावर मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। इसके बारे में हम पूरे डिटेल में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। रैकेट के फ्रेम से स्टार्ट करते हैं तो आपको डायनेमिक ऑप्टिमम फ्रेम देखने को मिल जाता है जो कि सिमिलर है आइसोमेट्रिक के तरह, जो प्रोवाइड करता है बिगर स्वीट स्पॉट। रैकेट के टॉप साइड में आपको देखने को मिल जाएगा HDF सॉक्स एब्जॉर्प्शन सिस्टम। बेसिकली जब आप शटल को हिट करते हो तो जो वाइब्रेशन आता है आपको इस रैकेट में काफी कम देखने को मिलता है। वैसे जब हम इस रैकेट के साथ खेल रहे थे तो मुझे वैसे टाइप का कुछ फील नहीं हुआ। इस रैकेट में आपको बॉक्स फ्रेम देखने को मिल जाता है, जैसे कि इसके फ्रेम के इनर साइड में लिखा हुआ भी है एंड यहाँ लिखा है X4 जो कि बेसिकली लीनिंग का एक रैकेट सीरीज है। रैकेट के टी जॉइंट की बात करें तो आपको सिंगल पीस टी जॉइंट देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो। इसके टी जॉइंट में आपको लीनिंग का छोटा सा लोगो देखने को मिल जाएगा गोल्डन कलर का। एंड जब आप इस रैकेट को ऐसे मूव करते हो ना तो जो लीनिंग का लोगो है ना वो रेनबो कलर से शाइन मारता है। रैकेट के शाफ्ट की बात करें तो आपको यहाँ रैकेट का मॉडल नेम देखने को मिल जाएगा जो कि ये X400 है। उसके बाजू में ड्रैगन बना है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। थोड़ा सा आगे आते हैं शाफ्ट में तो आपको यहाँ लीनिंग का लोगो देखने को मिल जाएगा। उसके बाजू में लिखा पावर 6.0 mm जो कि शाफ्ट का डायमीटर है। उसके बाजू में लिखा हार्ड फ्लेक्सिबल। शाफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो एक्चुअली में ये स्टिफ शाफ्ट आपको देखने को मिल जाता है। वैसे जब आप इस रैकेट के साथ खेलोगे तो पतला शाफ्ट होने के कारण आपको फ्लेक्सिबल फील होता है। बाकी रैकेट के बैलेंस पॉइंट की बात करें तो ये हेड हैवी बैडमिंटन रैकेट है। मैंने इस रैकेट का मैक्सिमम वेट इसके हेड में शिफ्टेड है विच इज गुड फॉर पावरफुल शॉट लाइक स्मैशेस एंड क्लियर टॉस। ये है हमारा रैकेट का हैंडल कैप, जैसे कि आप देख सकते हो आपको दोनों तरफ लीनिंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ लिखा है कुछ स्पेसिफिकेशन, जैसे कि यहाँ लिखा है 4U जो कि रैकेट का ओवरऑल वेट है, आपको 80 से 84.9 ग्राम के बीच में देखने को मिल जाता है। वैसे जब हम इस रैकेट का वेट किए तो विदाउट स्ट्रिंग एंड ग्रिप ये आपको 83 ग्राम में देखने को मिल जाएगा एंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमने स्ट्रिंग भी ऐड किया एंड एक्स्ट्रा ग्रिप भी ऐड किया तो ये आपको दोनों ऐड करने के बाद 93 ग्राम के अराउंड देखने को मिल जाता है। लीनिंग कंपनी का मुझे ये बात अच्छा लगता है कि आपको सेम रैकेट में दो तीन वेट कैटेगरी देखने को मिल जाता है। जैसे इस रैकेट में आपको दो वेट कैटेगरी देखने को मिलता है, 4U जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसके अलावा आपको 3U भी देखने को मिल जाता है जो कि 85 to 89.9 ग्राम के बीच में है। यहाँ लिखा है G5 जो कि रैकेट का ग्रिप साइज है एंड उसके बाजू में लिखा है 30 lbs, माने इस रैकेट का जो मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन है वो 30 lbs। ये हमारा रैकेट का हैंडल, इसका भी लेंथ मुझे काफी सही लगा एंड इसके हैंडल के नीचे साइड आपको लीनिंग का लोगो देखने को मिल जाता है। तो फाइनली रैकेट के प्राइस की बात करें तो ये आपको
20,000 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिल जाता है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा महंगा है, मेरे मोबाइल से भी महंगा है। ये है मेरा मोबाइल, ये मैंने लिया था 17-18 हज़ार में, एंड ये भाई साहब 20,000 का रैकेट है, इसको तो सजा के रखना चाहिए। जोक्स अपार्ट, अगर आप में से कोई लेना चाहता है ये रैकेट, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हो HTB05 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। leaning.studio में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, ये रैकेट ले रहे हो नहीं ले रहे हो डजंट मैटर, लेकिन और कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो मेरा कूपन कोड। तो चलिए अब हम इस रैकेट के साथ खेल लेते हैं और मेरा क्या एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करता हूं। तो जब मैं इस रैकेट से खेल रहा था तो जो पहली चीज मैंने नोटिस की है वो रैकेट का पावर। मैं हाईली इंप्रेस हूँ इस रैकेट के पावर से, मैं 10 out of 10 दूंगा पावर के मामले में। वो चाहे स्मैश हो गया, क्लियर टॉस हो गया, टॉस जब मैं स्टार्टिंग में मार रहा था तो अगर शटल को आप बीच से कनेक्ट करते हो एंड अच्छे टेक्निक से मारते हो तो आपको लाइक मीडियम कम पावर में भी शटल दूर तक जाती है। जैसे कि आपको पता है इस रैकेट का शाफ्ट पतला होने के कारण और ये एक हेडवी रैकेट होने के कारण जो रैकेट का स्विंग स्पीड है वो उतना ज्यादा स्मूथ नहीं है, लेकिन आपके फोरआर्म एंड रिस्ट में अच्छी स्ट्रेंथ है तो स्विंग में दिक्कत नहीं आएगी। एंड जब आप शटल को हिट करते हो इसके स्वीट स्पॉट में तो साउंड भी काफी ज्यादा सॉलिड देखने को मिलता है इस रैकेट में। ये रैकेट किसके लिए, अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रेसिव गेम खेलते हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो ये रैकेट, एंड अगर आपका बजट 20,000 तक है तो डेफिनेटली ले सकते हो। तो ये रैकेट सुटेबल है सिंगल्स प्लेयर के लिए एज वेल एज डबल्स में, अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम बैक ऑफ द कोर्ट खेलते हो तो अच्छा है ये। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने भी पहली बार इतना कोई महंगा रैकेट से खेला, जब मैं इस रैकेट से खेल रहा था तो मुझे उतना कुछ खास फर्क तो दिखा नहीं, लेकिन डिफरेंस जरूर फील होगा। एंड फाइनली आपको पता लग गया होगा कि ये रैकेट इतना ज्यादा महंगा क्यों है, एक बार मैं और ऊपर ऊपर से बता देता हूं। तो जो पहला चीज, जो मटेरियल है काफी हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ है इस रैकेट को बनाने के लिए। दूसरा चीज, इस रैकेट के शाफ्ट को काफी ज्यादा पतला बनाने के लिए काफी ज्यादा कॉस्टिंग आई है। तीसरा चीज, इस रैकेट का डिजाइन एंड काफी प्रीमियम स्टिकर। डेफिनेटली जब आप इस रैकेट को देखोगे ना तो आपको फील होता है कि हाँ काफी मेहनत लगी है इस रैकेट के डिजाइनिंग में। तो ये सारी चीजें इस रैकेट को बनाता है काफी ज्यादा महंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि काफी मेहनत लगती है ऐसी टाइप की वीडियो बनाने के लिए। Oh, 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 oh